तो फैंस क्वेश्चन के 12th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पे मैं आपके ही मुझसे पूछे गए बेंटेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करता हूं। और हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का लाइक एम है 7000 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अल्टीमेट ह्यूमंगस और अनलिमिटेड मिसाइल्स को शूट कर सकता है? तो नहीं। जैसा कि हमें पता है कि अल्टीमेट ह्यूमंगस और की जो मिसाइल्स है वो असल में उसी के हाथों की बोन फ्रेगमेंट्स है, यानी कि उसके ही हाथों की हड्डियां हैं, जिसे वो अपने हाथों में से तेजी से निकालते हुए मिसाइल्स की तरह यूज करता है। लेकिन ऐसा वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए करता नहीं रह सकता। जिस तरह से बंदूक में गोलियां भरने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से अल्टीमेट ह्यूमंगस और को भी अपनी हड्डियां रीजनरेट होने का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब हाँ, अल्टीमेट ह्यूमंगस और के पास अनलिमिटेड मिसाइल्स नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बेन अगेन वाले एपिसोड में हमने ये देखा था कि कैसे 11 साल वाले बेन और 16 साल वाले बेन ने अपने ओमनीट्रिक्स को सिंक्रोनाइज करके वो दोनों क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि बेन के पास क्लॉकवर्क का डीएनए 11 साल की उम्र से ही था? तो जब यही सवाल डेरिक जे वाइट से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि बेन अगेन एपिसोड के इवेंट्स के बाद 11 साल वाले बेन के ओमनीट्रिक्स में क्लॉकवर्क का डीएनए अनलॉक रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैट यंगबर्ग, जो कि एक और बेंटन के क्रू मेंबर है, उनका हमेशा से कहना यही है कि बेन अगेन वाले एपिसोड के बाद 11 साल वाले बेन के ओमनीट्रिक्स में क्लॉकवर्क का डीएनए कभी भी अवेलेबल नहीं रहा। मतलब देख ही सकते हो, ये लोग इस चीज को लेके खुद ही कंफ्यूजन में है। और अब ये आपके ऊपर है कि आप किस पे भरोसा करते हो। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से 11 साल वाले बेन के पास क्लॉकवर्क का डीएनए नहीं रहा होगा। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम ओमनीवर्स फ्लैशबैक वाले केविन 11 के डिजाइन को देखो। केविन के इस वाले म्यूटेशन में पिछले वाले म्यूटेशन के मुकाबले सारे के सारे नए एलियंस थे, लेकिन आपको इसमें क्लॉकवर्क का कोई भी नामो निशान नहीं दिखेगा। पर अगर आप इसी म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट आर्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले इस वाले म्यूटेशन में केविन के सर पे क्लॉकवर्क की चाबी भी होने वाली थी, लेकिन क्योंकि इस चीज को फाइनल डिजाइन में से हटा दिया गया था, तो इसीलिए इस चीज से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेन अगेन एपिसोड के बाद 11 साल वाले बेन के पास क्लॉकवर्क का डीएनए नहीं रहा था। ग्वेन एक एनोडाइट है और केविन एक कॉस्मोसियन। तो अगर ये दोनों शादी करें तो इनके बच्चे के पास कौन सी पावर्स होंगी? तो देखो, बेन के पेरेंट्स और ग्वेन के पेरेंट्स एनोडाइट्स नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्डोना उनके पास स्पार्क नहीं है। लेकिन ग्वेन और सनी के पास स्पार्क होगा, इसलिए वो दोनों एनोडाइट्स हैं। मतलब तुम एनोडाइट बनोगे या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या तुमने स्पार्क को इनहेरिट किया है या नहीं। और अगर बात करें ऑस्मोसियन की, तो केविन का अब तक हमने सिर्फ एक ही बेटा देखा है और उसके पास भी ऑस्मोसियन वाली पावर है। तो हाँ, केविन और ग्वेन का जो चाइल्ड होगा उसके ऑस्मोसियन होने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं, लेकिन उसका एनोडाइट होना ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या उसे अपनी माँ यानी कि ग्वेन से स्पार्क इनहेरिट होगा या नहीं। मैड बेन के पास एनआरजी था, ये तो सबने नोटिस कर लिया था और सब ये भी बोलने लगे थे कि मैड बेन के पास तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस भी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी किसी बेन टेनिसन के मुकाबले मैड बेन के पास सबसे ज्यादा एलियंस हैं। लेकिन किसी ने भी ये नोटिस क्यों नहीं किया कि बेन 23 के पास भी एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियन आर्मोड्रिलो का डीएनए है? और क्योंकि बेन 23 के पास भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस के डीएनए है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बेन 23 ही वो बेन टेनिसन है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलियंस होने के चांसेस हैं? तो मैड बेन और बेन 23 दोनों के पास ही हमने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस को देखा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या उनके पास बेन की तरह ही बाकी चार एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस के डीएनए है भी या नहीं। लेकिन अगर ऐसा मान के चले कि उन दोनों के पास हमारे प्राइम बेन के जैसे ही पांचों के पांचों एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस के डीएनए है, तो फिर ये सवाल भी निकल के आता है कि उन्हें वो मिले कैसे? क्या इन दोनों ने भी उन्हें प्राइम बेन की तरह स्कैन किया था, या फिर वो इनके ओमनीट्रिक्स में पहले से ही अवेलेबल थे? और अगर वो इनके ओमनीट्रिक्स में पहले से ही अवेलेबल थे, तो क्या उन दोनों के ओमनीट्रिक्स में एंड्रोमेडा गैलेक्सी के
बाकी के सारे एलियंस के डीएनए भी अवेलेबल होंगे। अफसोस, क्योंकि ये सब हमें सीरीज के अंदर नहीं बताया गया, इसलिए हमारे पास कोई क्लियर कट आंसर तो नहीं है कि मैट बेन के पास टोटल कितने एलियंस हैं। लेकिन हमें डेरिक जे वाइट ने ये तो कम से कम बताया ही है कि मैट बेन के पास प्राइम बेन वाले लगभग सारे के सारे नॉर्मल एलियंस हैं, एक्सेप्ट फीडबैक और वेम्पायर। लेकिन हाँ, मैट बेन के पास कुछ ऐसे एलियंस भी हैं जो कि किसी और बेन टेनिसन के पास नहीं है। सो टेक्निकली मैट बेन के पास हमारे प्राइम बेन से ज्यादा एलियंस होंगे। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बेन 10 ओमनिवर्स में बेन ने खुद ही ये बोला था कि उसके पास 70 यानी कि 70 एलियंस अनलॉक्ड है। एंड फॉर योर सरप्राइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन दोनों से ज्यादा एलियंस बेन 23 के पास मौजूद है, क्योंकि उसने बेन 10 ओमनिवर्स में ये बोला था कि उसके पास 90 यानी कि 90 एलियंस अनलॉक्ड है। लेकिन ऑब्वियसली जिस बेन टेनिसन के पास सबसे ज्यादा एलियंस मौजूद है वो है बेन 10,000। लेकिन बेन 10,000 में से भी जिन दो बेन 10,000 को मैंने यहाँ पे लिया है वो है अल्टीमेट बेन 10,000 और बायो बेन 10,000, क्योंकि इन दोनों बेन 10,000 के पास 10,000 एलियन होने के साथ साथ मास्टर कंट्रोल भी है ही, जिससे इन्हें ओमनीट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एक एलियन का एक्सेस तो मिल ही जाता है, पर साथ ही साथ अल्टीमेट बेन 10,000 के पास अल्टीमेट एलियन का एडवांटेज और बायो बेन 10,000 के पास फ्यूजन एलियंस का एडवांटेज भी है, जिससे ओवरऑल इनके नंबर ऑफ एलियंस किसी भी दूसरे बेन टेनिसन से काफी ज्यादा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काई ग्रीन की जो स्वॉर्ड है उसकी पावर क्या है। तो काई ग्रीन के पास फ्यूचर में जो स्वॉर्ड होती है उस स्वॉर्ड का नाम है एक्सकैलिबर। और वैसे इस तलवार को किसने बनाया है इसके बारे में तो हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में इतना जरूर पता है कि ये एक एंशिएंट वेपन है जिसकी पावर के बारे में हमें कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया गया। लेकिन इसकी ऑन स्क्रीन दिखाई गई पावर्स की बात करें तो इस तलवार की ब्लेड इतनी ज्यादा तेज है कि ये मोटी से मोटी मेटल की शीट को भी आराम से काट दे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि काई ग्रीन ने तो इस तलवार की मदद से मेल्ट्रोएंट की टाइम रेज को भी बीच में से चीर दिया था, जो कि बिल्कुल भी कोई छोटी बात नहीं है बल्कि काफी बड़ी बात है। और एक्सकैलिबर को लेके एक मिसकंसेप्शन भी है कि थॉर के हथौड़े मियोलनिर की तरह ही एक्सकैलिबर को भी उठाने के लिए आपका वर्दी होना जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है और गलत भी। लेट मी एक्सप्लेन। जब एक्सकैलिबर को बेन 10 ओमनिवर्स में सबसे पहले दिखाया गया था तो वो तलवार एक चट्टान में गड़ी हुई थी और उस चट्टान में से उसे निकालने के लिए वर्दीनेस की जरूरत थी। बेन ने भी अपने फोरआर्म्स और ह्यूमंगस और का पूरा दम लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो एक्सकैलिबर को उस पत्थर में से निकाल नहीं पाया था। लेकिन क्योंकि काई ग्रीन उस तलवार के लिए वर्दी थी, इसलिए वो उस तलवार को उसकी जगह से थोड़ा सा हिला पाई थी। और बाद में हमने ये भी देखा कि फ्यूचर में काई ग्रीन उस तलवार को यानी कि एक्सकैलिबर को अपने पर्सनल वेपन की तरह यूज करने लगी। लेकिन हमने ये भी देखा था कि एक्सकैलिबर को बेन 10,000 भी उठा पा रहा था, जिससे यही बात साफ होती है कि उस चट्टान में से एक्सकैलिबर को निकालने के लिए बस वर्दीनेस की जरूरत है। लेकिन अगर एक बार एक्सकैलिबर उस चट्टान में से निकल गई तो उसे कोई भी उठा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स जिस जगह पर फंस गए थे वहाँ पे उन्होंने बिना बुक्स और बिना रिसोर्सेस के पढ़ाई कैसे की। तो देखो, इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसा कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने बताया था कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल होने के चलते वो इवेंट होराइजन नाम की एक जगह के अंदर खींचे चले गए थे, जहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने स्पेस टाइम कंटिन्यूम को स्टडी करना शुरू किया। और स्टडी करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने स्पेस टाइम को किसी किताब वगैरह से स्टडी किया हो, बल्कि स्टडी करने का मतलब तो यहाँ पे ये है कि पैराडॉक्स ने स्पेस और टाइम को कई सालों तक ऑब्जर्व किया था और एनालाइज किया था, जिससे कि अल्टीमेटली प्रोफेसर पैराडॉक्स को स्पेस टाइम कंटिन्यूम की कंप्लीट नॉलेज हो गई। और क्योंकि अब उन्हें अच्छे से पता था कि स्पेस और टाइम किस तरह से काम करता है, तो इस नॉलेज की मदद से उन्होंने टाइम और स्पेस में ट्रेवल करना भी आसानी से सीख लिया। मतलब पैराडॉक्स के पास जितनी भी टाइम और स्पेस की नॉलेज है वो सब उसे किसी किताब से नहीं मिला, बल्कि वो नॉलेज उसे अपनी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की वजह से मिला है। और वैसे भी स्टडी करने का मतलब यही तो होता है। जो भी ज्ञान तुम्हें किताब से मिलता है वो किताब में ऐसे ही नहीं आ जाता, बल्कि वो नॉलेज बहुत सारे लोगों की कई सालों की मेहनत, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का नतीजा होता है, जिन्हें किताबों के रूप में इसीलिए स्टोर किया जाता है ताकि जो आने वाली न्यू जनरेशन है उनको ये ज्ञान आसानी से मिल सके और वो इसकी मदद से कुछ नया डिस्कवर करें।
तो यही थे आज के सारे क्वेश्चंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं आ पाया तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपका क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो उसको मैं फैंस क्वेश्चन के अगले एपिसोड में आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर तुम फैंस क्वेश्चन के अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी नीचे वाले लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। एंड फैंस क्वेश्चन के पिछले सारे के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए राइट वाले बॉक्स पे क्लिक कर